Welcome you all. So it is the first video lecture of this chapter, and this chapter name is The Goal Not Scored. For this you are advised to open the page number 75. This is first chapter, means a chapter of unit 4 of our course book. So now please open page number 75 and let's read this chapter. The Goal Not Scored, written by Manoj T. Thomas. We are not going to read this warm-up activity because chapter is quite lengthy and we have to end it very soon. So directly come on the chapter. Arif rubbed his knees gingerly. Arif ne apni knees ko, ghutno ko rub kiya savdhani se. Gingerly ka matlab hota hai in a careful manner, yani ki savdhani se. He knew that he had to be fit before the next day's football match. वो उसको इस बात का पता था कि जो नेक्स्ट डे फुटबॉल का मैच है उसको उसके लिए फिट रहना है. द इनर हाउस मैचेस वर गोइंग ऑन. उनके जो स्कूल में इनर मैचेस जो होते हैं वो चल रहे थे. एंड ही वॉज गोइंग टू मेक श्योर दैट ही प्लेड वेल इन द नेक्स्ट मैच. और वो इस बात को श्योर करने जा रहा था कि नेक्स्ट मैच में वो अच्छा खेलेगा. दे वर गोइंग टू मीट द रेड हाउस इन द नेक्स्ट मैच एंड द रेड्स हैड बीन क्लेमिंग दैट दे हैड नेवर लॉस्ट टू द ब्लूज. उनका अगला मैच रेड हाउस से था. उनकी जो टीम का नाम था वो ब्लू हाउस था. रेड हाउस की टीम कभी भी ब्लू हाउस की टीम से नहीं हारी थी, ऐसा रेड हाउस की टीम क्लेम करती थी. Arif was sure that there was always going to be a first time. Arif को इस बात की श्योरिटी थी कि फर्स्ट टाइम ऐसा होने वाला है कि ब्लू टीम, ब्लू हाउस की टीम रेड हाउस की टीम पर जीत जाएगी. द मैच वॉज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हिज टीम द ब्लू हाउस नीडिड अ विन टू गेट द 2 points नेसेसरी फॉर देम टू गेट इन टू द फाइनल. ये मैच बहुत उनके लिए ज़रूरी था क्योंकि फाइनल में जाने के लिए ब्लू हाउस को 2 points की जरूरत थी जो रेड हाउस से जीत के वो ले सकते थे और फाइनल में जा सकते थे. ही वॉज देयर स्टार प्लेयर. जो अरीफ था वहाँ पे वो स्टार प्लेयर था, मेन प्लेयर था. स्टार प्लेयर का मीनिंग होता है बेस्ट प्लेयर. एंड कुड नॉट अफोर्ड टू बी इंजर्ड फॉर सच एन इम्पोर्टेंट मैच. और वो इस बात को अफोर्ड नहीं कर सकता था कि इतना इम्पोर्टेंट मैच हो और उसको चोट लग जाए, यानी कि वो फिट रहना चाहता था. द अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस ही एंड हिज टीममेट्स हैड पुट इन बिफोर द मैच आल्सो हैड बीन फिनोमिनल. जो प्रैक्टिस उसने उसकी टीम ने की थी मैच से पहले वो असाधारण थी, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी. अरीफ वॉज हैविंग द फीलिंग दैट दे वर प्लेइंग सम वेरी इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट. अरीफ को इस बात की फीलिंग आ रही थी, उसको ऐसा एहसास हो रहा था कि जो मैच खेलने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट है. वेन इट वॉज एक्चुअली ओनली अ स्मॉल मैच बिटवीन द डिफरेंट हाउसेज इन द सेम स्कूल. वो कहता है कि ये मैच छोटा सा था परंतु उनको लग रहा था कि किसी बड़ा टूर्नामेंट है, परंतु उनके स्कूल में जो हाउसेस थे उनके बीच में जो मैच था ये. एंड नाउ लेट्स रीड दिस सम डिफिकल्ट वर्ड्स. फर्स्ट वर्ड वॉज जिंजरली. इट मीन्स इन अ केयरफुल मैनर, मीन्स बहुत सावधानी से. स्टार प्लेयर मीन्स बेस्ट प्लेयर मीन्स मेन प्लेयर. फिनोमिनल मीन्स रिमार्केबल मीन्स असाधारण. सो नाउ प्लीज ओपन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 76. दिस इज गोइंग टू बी आर मोस्ट इम्पोर्टेंट मैच, सेड विकास द कैप्टन ऑफ द ब्लूज. जो ब्लूज टीम का कैप्टन था वो विकास नाम का लड़का था और उसने कहा कि ये जो मैच है हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है. Trying to fit, trying to lift the morale of his team before the match. वो अरीफ को कहता है कि कोशिश करो कि अपनी टीम का जो मोराल है, यानी कि उनका जो कॉन्फिडेंस है उसको लिफ्ट करने की कोशिश करो, यानी कि उनका बढ़ा के रखो. गिव एवरी थिंग ही सेट, वी वॉन्ट अ विक्ट्री एट एनी कॉस्ट. आई रिपीट, वी वॉन्ट अ विक्ट्री एट एनी कॉस्ट. विकास जो टीम का कैप्टन है वो कहता है अरीफ को कि जो उन्हें चाहिए वो सब कुछ दो, ध्यान रखना हमें हर एक यानी कि हर हालत में हमें विक्ट्री चाहिए, जीत चाहिए.
चाहे कुछ भी हो जाए। दे हैड प्रैक्टिस टिल ऑल ऑफ देम हैड बीन कम्प्लीटली टायर्ड। उन्होंने इतनी प्रैक्टिस की थी कि जब तक सभी प्लेयर्स थक नहीं जाते थे, यानी कि पूरी जी जान से प्रैक्टिस कर रहे थे। देयर गेम प्लान वॉज ऑलमोस्ट फाइनल। उनका गेम प्लान था वो फाइनल था। दे वर बिगनिंग टू प्ले वेल एज ए टीम। वो एक टीम के रूप में बहुत अच्छा करने वाले थे, कर रहे थे। दे हैड प्लेंटी ऑफ कोऑर्डिनेशन टू। उनका आपस में बहुत ही बढ़िया कोऑर्डिनेशन था, सहयोग था। देर इज नो रीज़न वाई वी शुड नॉट विन दिस मैच। ऐसा कोई रीज़न नहीं था कि वो इस मैच को नहीं जीतेंगे। सेड संतोष देयर गोल कीपर। और उनका जो गोल कीपर था उसका नाम संतोष था, और उसने ऐसा कहा कि ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि हम ये मैच नहीं जीतेंगे। वी वॉन्ट लूज अनलेस यू कंसीड अ गोल, सेड विकास। विकास ने अरीफ को कहा कि हम तब तक नहीं हारेंगे जब तक तुम सरेंडर नहीं कर देते हो। कंसीड का मतलब होता है सरेंडर, यानी कि तुम छोड़ नहीं देते हो, तुम हार नहीं मान लेते हो। आई वॉन्ट लेट द बॉल गेट पास मी, सेड संतोष। संतोष ने कहा कि मैं बॉल को नहीं जाने दूंगा, अपने आप को पास नहीं करने दूंगा, गोल नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं गोल कीपर हूँ। विद डिटर्मिनेशन द रेड्स आर गोइंग टू लूज दिस टाइम। और इस टाइम रेड्स जो टीम है, हाउस है, वो इस टाइम हारने वाले हैं। दे स्टिल रिमेंबर्ड विद द एंगर द लास्ट मैच दे हैड प्लेड विद द रेड्स इन द प्रीवियस ईयर्स फाइनल्स। उनको अभी तक, यानी ब्लूज टीम वालों को अभी तक उनका गुस्सा याद है, जिस तरह वो अग्रेसिव मूड में खेले थे लास्ट ईयर। दे हैड बीन लीडिंग बाय अ गोल टिल हाफ टाइम। वो हाफ टाइम तक लीड कर रहे थे, आफ्टर विच द रेड्स हैड टर्न इट वोलेंट। और हाफ टाइम के बाद वो अग्रेसिव मूड में आ गए रेड जो टीम वाले थे, हाउस वाले थे। द ब्लू हैड बिकम स्लाइटली ड्यूड बाय द वोलेंट टैक्टिक्स एंड द रेड्स हैड यूज द रिजल्टेंट कन्फ्यूजन टू स्ट्राइक टू क्विक गोल्स टूवर्ड्स द एंड ऑफ द गेम। और इस वोलेंट जो अग्रेसिव तरीके से वो खेले, उसकी वजह से वो दबाव में आ गए ब्लू टीम वाले, और उसकी वजह से उन्होंने दो गोल कर दिए। दिस टाइम द ब्लूज हैड डिसाइडेड दैट दे वुड नॉट अलाउ द रेड्स टू गेट अवे विद देयर रफ टैक्टिक्स। तो उन्होंने सोच रखा था कि इस बार वो रेड हाउस की जो टीम है, उनके जो रफ टैक्टिक्स हैं, रणनीति है, जो उनकी रफ प्लेग्राउंड पर, वो उसको नहीं चलने देंगे। द टीम वेंट टू द ग्राउंड विद डिटर्मिनेशंस। जो टीम थी वो पूरे दृढ़ निश्चय के साथ ग्राउंड पर गई। द रेड्स वर ऑलरेडी ऑन द ग्राउंड। जो रेड टीम थी वो, रेड हाउस की टीम थी, वो ग्राउंड पर थी। द टू लुक्ड कॉन्फिडेंट। वो भी कॉन्फिडेंट लग रहे थे। अमंग अदर थिंग्स द मेन स्ट्रेंथ ऑफ द रेड्स वॉज देयर गोल कीपर। और उनके बीच में एक मेन जो स्ट्रेंथ थी, ताकत थी, वो थी उनकी रेड टीम के गोल कीपर की, परवीन। उसका नाम क्या था? परवीन। एवरीवन बिलीव दैट इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू गेट द बॉल पास्ट हिम। सभी को ये फेथ था कि वो गोल कीपर जो परवीन है, वो गोल नहीं होने देगा उसको, वो बॉल को परवीन को पास करना बहुत ही मुश्किल है। दे प्लेयर्स इन देयर रेड कलर्ड टी शर्ट एंड शॉर्ट्स लुक्स स्मार्ट। वो रेड कलर की जो टी शर्ट थी और जो शॉर्ट्स थी, उसमें वो प्लेयर स्मार्ट लग रहे थे। द सपोर्टर्स ऑफ द टू टीम्स वर लाइंड अप ऑन द बोथ साइड ऑफ द प्लेग्राउंड। तो प्लेग्राउंड के दोनों तरफ उनके सपोर्टर्स बैठे हुए थे। एज द मैच वॉज एक्सपेक्टेड टू क्रिएट अ लॉट ऑफ टेंशन एंड एक्साइटमेंट दे हैड टेकन नो चांसेस विद द रेफरिंग। तो रेफरी, यानी कि नतीजे निकालने के लिए जब रेफरी की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए वो चांस ले लेना चाहते थे, क्योंकि इस मैच में बहुत ज़्यादा टेंशन होने वाली थी और एक्साइटमेंट थी। दे हैड कन्विंस देयर स्पोर्ट्स टीचर मिस्टर साहू। उन्होंने अपने स्पोर्ट टीचर्स को कन्विंस कर लिया था, जिनका नाम था मिस्टर साहू, टू स्टैंड इन एज द रेफरी फॉर द मैच। मिस्टर साहू ब्लू द विसल एंड द मैच गोट अंडर वे। और फिर मिस्टर साहू वहाँ पे खड़े हो गए, उन्होंने विसल बजाई, और उसके बाद उनका जो मैच था वो स्टार्ट हो गया। गोट अंडरवे का मतलब होता है स्टार्ट होना।
With the kick off, the match started. It was tougher than what Arif had imagined. और एक किक के साथ बॉल को किक मारी गई और उसके साथ ही मैच शुरू हो गया. और जिस तरह अरीफ सोच रहा था कि जैसा मैच होगा उससे वो टफ लग रहा था. द रेड्स ओबियसली हैड द इम्प्रेशन दैट अरीफ वॉज द स्टार प्लेयर ऑफ द ब्लूज एंड हैड डिसाइडेड टू टारगेट हिम फ्रॉम द बिगनिंग. जो रेड टीम वाले थे उनको पता था कि जो अरीफ है उनका स्टार प्लेयर है, तो उनका इसलिए वो अरीफ को ही टारगेट कर रहे थे स्टार्टिंग से ही. Even as Arif was thinking of getting to the ball, he would find that a Red House players would come out of nowhere and stop him by force. जैसे बॉल लेने की कोशिश करता था और रेड हाउस वाले प्लेयर कहीं से आ जाते थे और उसको ऐसा नहीं करने देते थे, यानी कि उसको रोक लेते थे ताकत के द्वारा, फोर्स के द्वारा. These attacks did fetch their team a couple of free kicks. इस अटैक की वजह से उनको बहुत सारी फ्री किक करनी पड़ी, यानी कि बॉल को नहीं मार सके वो. बट अरीफ वॉज बिगनिंग टू फील द प्रेशर ऑफ द गेम. तो अरीफ को उस गेम का प्रेशर था वो समझ में आने लग रहा था, यानी कि उसको प्रेशर फील हो रहा था. एवरी टाइम ही वॉज पुश्ड ऑन टू द ग्राउंड, बार बार उसको धक्का दे दिया जाता था ग्राउंड पर, वो गिर जाता था. फॉर ए वाइल ही ट्राइड टू स्टे अवे फ्रॉम द बॉल. कुछ समय के बाद वो उसने कोशिश की कि बॉल से दूर रहे. ही नोटिस दैट द प्लेयर ऑफ द रेड्स हु वॉज मेकिंग हिम वॉज पेइंग नो अटेंशन टू बॉल एंड वॉज ट्राइंग टू कीप अ क्लोज वॉच ऑन अरीफ. थोड़ी देर बाद उसने देखा कि वो जो और प्लेयर थे रेड टीम वाले वो बॉल पे अटेंशन नहीं कर रहे हैं, वो अरीफ के पास आके देख रहे हैं उसको कि क्या कर रहा है वो, गेम वो बॉल से दूर की जा रहा है. द गेम हैड बिगन टू गेट रफ. अब वो जो गेम था वो रफ़ होने लगा था, यानी कि वो रेड टीम वाले अब रफ तरीके से खेलने लगे थे. अरीफ फेल्ट दैट द रेड्स वर अडोप्टिंग देयर यूजबल स्ट्रेटजी. अरीफ को समझ में आ गया था कि जो अब जो रेड्स हैं, रेड हाउस वाली टीम है, वो अपनी जो यूजबल जो स्ट्रेटजी है, यानी कि जो अग्रेसिव मेथड से वो खेलते हैं वो उन्होंने अडोप्ट कर ली थी. हाउएवर दिस टाइम द ब्लूज हैड रिस्पोंडेड वेल. परंतु इस समय क्या था कि जो ब्लूज टीम थी वो अच्छा रिस्पॉन्स कर रही थी. द प्लेयर ऑफ द बोथ साइड्स वर सीन फॉलिंग ऑन द ग्राउंड. दोनों ही तरफ के प्लेयर दिख रहे थे कि ग्राउंड पे गिर रहे हैं, यानी कि दोनों ही अच्छी मेहनत कर रहे थे. एंड द नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर.